हेलो दोस्तों, मैं आज आपको किट में कंडेंसर लगाने का तरीका बताऊंगा। कंडेंसर किस तरीके से लगाते हैं, मेरे भाई कुछ कंडेंसर नहीं लगा पाते हैं। दोस्तों, किट में कंडेंसर जो होता है वो चार का लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें दिख रहा है सही, ये चार UF का होता है, 4MFD भी बोलते हैं इसे। इसको हम लगाएंगे दोस्तों। ये हमारे वायर जो होते हैं दोस्तों, ये चार वायर होते हैं, इन दो वायरों को, ये हमारे रनिंग के वायर हो गए, लाल वाले वायर जो है वो हमारे रनिंग के हुए, ब्लैक वाले स्टार्टिंग के हुए। अब इन दोनों वायरों को हम आपस में जोड़ देंगे, ये हमारे आपस में जुड़ गए, ये कॉमन बन गया दोस्तों। अब ये दो वायर हमारे बचते हैं, इन दोनों वायरों को हम एक कंडेंसर पे लगा लेंगे, और ये दूसरा वाला रेड कलर का जो रनिंग का वायर है, ये भी हम कंडेंसर में लगा लेंगे। अब इसको जो है दोस्तों, हम सप्लाई देंगे, यानी कि लाइट का जो करंट देंगे हम दोस्तों, वो हमारा एक वायर तो जो है वो यहाँ लग जाएगा और दूसरा वायर हमारा यहाँ लग जाएगा। ये दोनों वायर हमारे लाइन के हो जाएंगे। इसको मैं कस लेता हूँ। ये हमारी मोटर चल गई। दोस्तों, अगर हमारी मोटर उल्टी चलती तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस वाले रनिंग वाले रेड कलर के वायर को यहां से खोल के हमें इधर लगा देना है, और इस वाले वायर को चेंज करके, इस तरीके से चेंज कर दे, ये वाला खोल के हम इस वाले कॉमन वायर पे लगा देंगे। अगर हमारी वायर मोटर उल्टी चलती है, इस तरीके से चेंज कर देंगे, इस तरीके से, तो हमारी मोटर सीधी चल जाएगी। दोस्तों, बड़ा आसान है कंडेंसर का लगाना। दोस्तों, इसको उल्टा और सीधा हम आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिए।